दोस्तों, हमारे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर्दी के मौसम में हमारे बच्चे का कलर डल हो गया है। बच्चा पहले गोरा था, अब उसका कलर डार्क हो गया है। हमें क्या करना चाहिए? या फिर बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, उसमें सॉफ्टनेस नहीं रही है, तो हम कैसे नेचुरल तरीके से ही बच्चे की स्किन को हेल्दी रख सकते हैं? तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम दो मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि सर्दी के मौसम में बच्चे की स्किन का कलर डल क्यों होता है, और सेकेंड है बेबी स्किन केयर रूटीन, जिसमें हम बताएंगे कि नेचुरल तरीके से ही हम कैसे जो बच्चे का सर्दी में कलर डल हुआ है उसे ठीक कर सकते हैं, बच्चे की स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इसे एंड तक देखिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर्दी के मौसम में बच्चे की स्किन का कलर डल क्यों हो जाता है। यूं तो धूप बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे बच्चे की बोन्स स्ट्रांग होती है, बच्चे को विटामिन डी मिलता है। लेकिन सनलाइट में जो यूवी रेज होती है उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी अपने आप ही मेलानिन स्किन पिगमेंट को बढ़ा देती है, जो बच्चों के साथ भी होता है, और इस मेलानिन स्किन पिगमेंट से कलर डार्क हो जाता है, जिसे हम टैनिंग भी कहते हैं। और सर्दी के मौसम में अक्सर ही हम बच्चे को बहुत ज्यादा देर के लिए धूप में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन का कलर डार्क हो जाता है। और सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं बच्चे की स्किन से मॉइस्चर को कम कर देती हैं, और जिससे बच्चे की स्किन हाइड्रेटेड नहीं रह पाती है, और बच्चे की स्किन में कुछ पैचेस या डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं, या फिर बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है ठंड के मौसम में। अब बात करते हैं बेबी स्किन केयर रूटीन की, जिसमें हम नेचुरल तरीके से ही बच्चे की स्किन को हेल्दी कर सकते हैं, जो बच्चे का कलर डार्क हुआ है उसे भी ठीक कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मालिश बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बच्चे की स्किन को हेल्दी रखती है, बच्चे के जो पोर्स बंद हो जाते हैं उनको खोलती है। लेकिन ठंड के मौसम में केवल मालिश सफिशियंट नहीं होती है बच्चे की स्किन में मॉइस्चर को देने के लिए, तो उस केस में हमें नहलाने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध बच्चे की स्किन पे लगाना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। कच्चा दूध आप नहलाने से पहले भी लगा सकते हैं, नहलाने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध लगाने के 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से आपको इसे साफ कर देना है। ये एक बहुत ही अच्छा क्लींजर और मॉइस्चराइजर होता है। ये बच्चे की स्किन से डेड स्किन को हटा देता है, जिससे बच्चे की स्किन जो टैनिंग की वजह से डल हुई है वो ठीक होती है। नेक्स्ट है बेबी उबटन। तो बच्चे का उबटन करने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बेसन, इसमें थोड़ा सा हनी मिलाइए और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए, और इसका एक डो तैयार कर लीजिए, और इससे बच्चे के उबटन करिए। बच्चे की हेयर ग्रोथ जिस साइड में उसके अपोजिट साइड में आपको इससे उबटन करना है। इससे आप देखेंगे जो बच्चे की स्किन पे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो भी हट जाते हैं, साथ ही साथ बच्चे की स्किन ग्लो करती है, और बच्चे को जितनी भी सनलाइट से टैनिंग हुई है वो सब दूर हो जाती है। अगर आप ठंड की वजह से बच्चे के उबटन नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में नहलाते समय आप बेसन में दूध मिलाइए और उससे पेस्ट बना लीजिए, उससे बच्चे को नहलाइए। इससे बच्चे की स्किन हेल्दी रहती है, बच्चे की स्किन की जो भी ड्राइनेस है वो हट जाती है, और बच्चे की स्किन ग्लो करती है। नहलाने के बाद आप इन 3 चीजों में से कोई एक चीज बच्चे की स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्लिसरीन, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, आप उसे लीजिए। उसमें बराबर क्वांटिटी का रोज वाटर मिलाइए और इसे कंटेनर में करके रख लीजिए, और जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद 6-7 ड्रॉप बच्चे की स्किन पर अप्लाई कर दीजिए। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, ये बच्चे की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। या फिर बच्चे की स्किन का जो पार्ट बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, जैसे चीक्स हुए, लिप्स हुए, तो उस पर दूध में से निकली हुई फ्रेश मलाई लगा सकते हैं, इससे भी बच्चे की स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा कपड़े पहनने से बच्चे की स्किन में बहुत रैशेज हो रहे हैं, या बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, बच्चे की स्किन पे पैचेस दिख रहे हैं या लाल दाने हो रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लीजिए और उसे बच्चे की स्किन पर अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि इससे भी बच्चे की स्किन बहुत जल्दी हेल्दी होती है, बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये आप पूरा बेबी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही आपको बच्चे की स्किन के कलर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, बच्चे की स्किन हेल्दी होगी, बच्चे की स्किन ग्लो करेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।